तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में बात करेंगे पिवट टेबल के बारे में, और हमारे साथ राशिद जी ज्वाइन किए हैं ऑनलाइन क्लास के लिए। तो राशिद जी, चलिए शुरू करते हैं पिवट टेबल। तो जो पिवट टेबल का जो हमारा टॉपिक है वो आप यहाँ देख रहे हैं कि हम बात करते हैं डेटा की समराइजेशन की। लास्ट क्लास में समझाया था कि पिवट टेबल का यूज हम लोग करते हैं किसी भी डेटा को एनालाइज, समराइज एंड रिप्रेजेंट करने के लिए। कोई भी डेटा को आप अपने हिसाब से एनालाइज कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं और उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो डेटा हमारा है, चलिए इसकी समरी बनाना। तो इससे पहले बताया था कि पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका जो डेटा है उसमें करना क्या है। तो बेसिकली मुझे चाहिए मंथ वाइज, सिटी वाइज टोटल क्वांटिटी, मंथ वाइज सिटी वाइज टोटल क्वांटिटी। कैसे करें इसके लिए? तो इसके लिए हम सबसे पहले तो पिवट लगाएंगे और यहाँ इंसर्ट पे गए और पिवट लगाते हैं एंड ओके करते हैं। एक नई सीट पे पिवट आ जाएगी। अब यहाँ पे मुझे नेम बाई चाहिए, तो नेम को उठा के रो में रख दिया और सिटी को उठा के हमने कॉलम में रख दिया और फिर क्वांटिटी को उठाया, उसको वैल्यू में रख दिया। आपके सामने रिपोर्ट बन गई। इसकी फॉर्मेटिंग करना है तो डिजाइन में जाइए, अपने हिसाब से जो फॉर्मेट चूज करना है चूज करें, जो भी फॉर्मेटिंग चाहिए। देखिए इसके अलावा आप यहाँ होम में जाकर भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जो नॉर्मल फॉर्मेटिंग होती है उसको भी कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ ध्यान रखिएगा, जब पेपर रिफ्रेश होगा अपने आप को इंक्रीज डिक्रीज करेगा साइज को, तो आपकी फॉर्मेटिंग इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगी क्योंकि ये फॉर्मेटिंग आपके पिवट से कनेक्टेड नहीं होता है। तो क्या करें इसको? अब यहाँ पे कुछ चेंज, जैसे यहाँ पर रो लेवल है, मैं चाहता हूँ यहाँ खुद की वैल्यू आनी चाहिए जैसे कि नेम, तो यहाँ आप चेंज कर सकते हो कि आप नेम लीजिए। और यहाँ कॉलम लेवल दिख रहा है, इसको दे दीजिए सिटी, ठीक है। और सम ऑफ क्वांटिटी के यहाँ पे लिख दीजिए टोटल सेल्स। तो चेंज कर सकते हैं आप, किसको किसको चेंज कर सकते हैं? तो आप चेंज कर सकते हैं ये नेम को, हेडिंग को। आप चेंज किसको नहीं कर सकते? तो जो टोटल फिगर आ रहा है ना उसको चेंज कर सकते। मैं यहाँ पे इसको चेंज नहीं कर सकता। अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखें बहुत सारी जगहों पे ब्लैंक है, मैं चाहता हूँ कि ब्लैंक ना हो, कि जीरो हो, या मेरा खुद का कोई भी खुद का ये जो फिगर हो। तो राइट क्लिक किया, पिवट टेबल ऑप्शन में गया, यहाँ फॉर्मेट, हाँ फॉर्मेट एंड लेआउट में नहीं, फॉर एरर वैल्यू शोस, नहीं एरर फॉर एम्प्टी सेल, और एरर में आता है एम्प्टी सेल में डालना होगा। तो यहाँ पे हमने जीरो कर दिया, अब तो जीरो शो हो रहा है। अब जैसे कि हमने कॉलम में फिल उठा के रखा है, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कॉलम में जब भी हम फिल रखते हैं तो एक बार देख लेते हैं कि हमारी नंबर ऑफ जो लिस्ट है इस फील्ड की वो कम होनी चाहिए। अगर मान लीजिए इसमें अगर 1000-2000 लिस्ट होता तो ये काफ़ी बड़ा हो जाता और 250 से ज़्यादा तो लेगा ही नहीं। तो आपको लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा है, तो आप जो है ऐसा ना करें, आप क्या करें कि सिटी को उठा के कॉलम फील्ड में रख दें, तब सब लेवल इसको तैयार कर सकते। इसे एक और फायदा होता है कि ये इस तरह कोलैप्स एक्सपेंड का बटन बन जाता है। आप यहाँ एनालाइज में आके यहाँ आप कोलैप्स और यहाँ एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर आपके पास काफ़ी लंबा और लेंदी डेटा है तो इसको आप इस तरह शो करेंगे तो इसमें होगा क्या कि मान लो किसी को जयपुर का देखना है तो जयपुर को एक्सपेंड करेगा और जयपुर का डेटा दिख जाएगा। और फिर यहाँ पे इस तरह के छोटा सा डेटा रहेगा, तो अरेंज डेटा रहेगा, तो लोगों को देखने में आसानी होगी। ये लंबे डेटा की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये कब होगा? जब आप किसी को जो रिपोर्ट भेजेंगे एज ए पिवट टेबल भेजेंगे। एक कभी कभी क्या होता है कि हम रिपोर्ट को पिवट टेबल में नहीं भेजते, हम पिवट टेबल रिपोर्ट के हेल्प के लेते हैं।
फिर इसको कॉपी करके वापस अपने अलग अलग सीट पे डालना होता है, और अपने अलग सीट पे डाल के फिर उस पर जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन करते हैं और फिर इसको यूज करते हैं। तो जैसे आप इसको इसमें कॉपी करेंगे और कॉपी करके किसी भी सीट पे पेस्ट कर दें, पेस्ट इज वैल्यू कर दें। अब यहाँ पे समझ पाना दिक्कत है कि किस में नेम है और किस में सिटी है, राइट सर? जी बिल्कुल सही है। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास यहाँ पिवट टेबल के डिजाइन में या फिर राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शंस में भी डिस्प्ले के अंदर क्लासिकल पिवट टेबल लेआउट होता है। ऐसा कर देंगे तो दोनों अलग अलग फील्ड में है, लेआउट में भी आपका ये होता है सो टेबुलर फील्ड, तो इस तरह से अलग अलग हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए हर एक के नीचे सब टोटल दिख रहा है, दिख रहा है ना सर? बिल्कुल सही। तो आप चाहते हैं कि सब टोटल ना रहे तो यहाँ से हटा सकते हैं और वापस ला भी सकते हैं, इस पर क्लिक कीजिए और वापस इस पर क्लिक करेंगे तो सब टोटल सिटी आ भी जाएगा, तो ला भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं, राइट? राइट। अब इसमें अब ये तो हो गई थी, अब आगे बात आती है इसकी कि ये भी ठीक है बट जब कॉपी करते हैं तो फिल्टर वगैरह लगाने में दिक्कत, पिवट टेबल के अंदर तो ठीक है बट पिवट टेबल से बाहर निकलते हैं तो इसमें फिल्टर लगाने में दिक्कत होती है, क्योंकि अब फिल्टर लगाएंगे तो सिटी सिर्फ लीला का ही दिखेगा बाकी नहीं दिखेगा, डीजा क्योंकि ब्लैंक है तो पिवट टेबल समझ रहा है कि दिस ब्लैंक पार्ट ऑफ द डेली बट आपका नॉर्मल डेटा नहीं समझता। सो आई वॉन्ट टू रिपीट इट, मैं चाहता हूँ ये रिपीट हो जाए यहाँ से इस तरह से, ठीक है? ठीक है सर। इस तरह से रिपीट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पिवट टेबल के डिजाइन में ही जो रिपोर्ट लेआउट था उसी में देखिए ये रिपीट ऑल आइटम लेबल, तो ये आपको रिपीट हो। अब कभी कभी ऐसी भी जरूरत पड़ती है कि इन दोनों के बीच में एक ब्लैंक रो होना चाहिए सेपरेशन के लिए, किसी और कैलकुलेशन के लिए, तो यहाँ ब्लैंक में इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर इच आइटम क्लिक कर दीजिए तो आपका इस तरह से ब्लैंक हो गया। मुझे ब्लैंक हटाने हैं तो रिमूव कर दीजिए, मुझे रिपीट भी हटाना है तो आप यहाँ पर डू नॉट रिपीट कर सकते। मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पर मर्ज करना चाहता हूँ, तो डायरेक्ट जो है आप मर्ज नहीं कर सकते, जैसे मर्ज करेंगे ये आपको मर्ज नहीं करना होगा, लेकिन मर्ज करने के लिए आपको जाना होगा पिवट टेबल के ऑप्शंस में, और यहाँ सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है मर्ज एंड सेंटर विथ लेबल एंड ओके कर दीजिए, ये सबको मर्ज कर देना। ओके सर? ओके सर। अब यहाँ जो प्लस मैंने का साइन है मुझे इसको हटाना है, एक लर्ज इस पर नहीं रखना है, तो यहीं पे पिवट टेबल एनालाइज पे ही ये जो प्लस यहाँ पे प्लस माइनस का बटन दिख रहा है ना इसको अनचेक कर, हट गया। ओके सर। ओके सर। इस तरह की चीज़ें अब कर सकते हैं। अब दूसरा इसमें आता है डेटा के बारे में, अब दिल्ली मोहन ने 1154 का सेल किया है, अब मुझे जानना है कि इसने कैसे सेल किया, कौन कौन डेटा है, कहाँ कहाँ से, मुझे इसका डेटा चाहिए, तो जने लोग क्या करेंगे यहाँ जाके फिल्टर लगाएंगे, राइट जी। आप यहाँ पे जस्ट डबल क्लिक कर देंगे तो एक नई सीट के अंदर, जी हाँ एक नई सीट के अंदर उसी डेटा को कॉपी करके और पेस्ट कर देंगे, एक नई सीट के अंदर उसी डेटा को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है सर? ठीक है सर बिल्कुल। लेकिन कभी कभी ये प्रॉब्लम भी होती है, ये बेनिफिट भी है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि मेरे मुझे ऑफिस में क्या होता था कि सर मुझे मतलब कि बहुत सारे कंडीशन लगा के डेटा को कॉपी पेस्ट करना होता था, जैसे मान लीजिए मुझे दिल्ली के अंदर मुझे एक एक कंट्री के अंदर एक दिल्ली एक सिटी के अंदर स्टेट के अंदर एक सिटी के अंदर फिर उसके अंदर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर्टिकुलर लोकेशंस उसके हिसाब से डेटा फिल्टर करने होते, तो मुझे 10-15 फिल्टर्स लगा के फिर डेटा को निकालना होता, ऐसे मुझे बहुत सारे डेटा निकालना होता, तो हम पिवट लगा लेते थे सारे कंडीशन सारे फिल्टर लगा लेते थे और बस डबल क्लिक करते थे नहीं सीट में आ जाता, डबल क्लिक करते थे नहीं सीट में आ जाता, तो इससे क्या होता था कि हमें डेटा सेपरेशन करना आसान हो जाता,
डेटा कैसा था ना सर, कि मुझे डंप फाइल मिलते थे, उस डंप फाइल में से मुझे एलोकेट एलोकेट करने पड़ते थे कि नहीं इस सिटी का काम फलाना बंदा देख रहा है तो फलाने बंदे के पास जाएगा। एक कलेक्शन था, मतलब कि इसकी कलेक्शन होती थी, लोन की रिकवरी होती थी, जिनकी चेक बाउंस हो जाते थे उनके। तो हर हर सिटी के लिए, हर हर सिटी हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग बंदा बैठा हुआ था जो करता था, तो सबको उसी के हिसाब से मुझे डेटा मेल करना होता था कि भाई ये डेटा आपको है, आज इन लोगों को कॉल करना है। तो करीब करीब जो है 20-25 से ऊपर डिपार्टमेंट थे, उसके अंदर करीब 45 से 100 लोग बंदे थे, सबको मेल भेजना काफ़ी दिक्कत हो जाती थी, तो यहाँ पर हम इसका यूज करते थे जिससे हमें काफ़ी बेनिफिट होता था। अब लेकिन एक बेनिफिट है तो एक प्रॉब्लम भी है। बहुत से लोगों को एक आदत होती है जहाँ तहाँ डबल क्लिक करने का। आप देखेंगे, मैं बहुत लोगों को देखा है कि डबल क्लिक करने की आदत होती है। तो अभी उनके लिए प्रॉब्लम था कि वो सिलेक्ट करने की जगह पे वो डबल क्लिक कर देते थे, नहीं सीट पे डेटा आ जाता था, तो प्रॉब्लम थी। तो उनके लिए एक ऑप्शन है कि जिसकी मदद से वो इस फीचर्स को डिसेबल कर सकते हैं। पिवट टेबल ऑप्शन के अंदर ही, डेटा के अंदर ही यहाँ आता है अनेबल शो डिटेल, ठीक है ना सर? इसको अनचेक कर दीजिए, उसके बाद आप इस पर अगर डबल क्लिक करते हैं तो फिर आपका चेंज नहीं हो, ठीक है? ठीक है सर, तो इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल सही। उसके बाद बात आती है कि अगर मान लीजिए मैं पिवट टेबल को अलग कर दूं, तो देखिए पिवट टेबल डेटा से लिंक होता है, लेकिन लिंक नहीं होता है, डेटा को कॉपी करके अपने अंदर रख लेता है। अगर मैं सीट वन को डिलीट भी कर दूं या रिनेम भी कर दूं, तो फिर भी आपका पिवट वर्क करता रहेगा। जैसे मैं इसको मूव एंड कॉपी कर देता हूँ एक नई सीट से, नई वर्कबुक में, सॉरी। अब यहाँ इस फाइल को मैं भेजूंगा तो आप भी इसके पिवट्स को यूज कर सकते हैं, कुछ भी चेंज करना कर सकते हैं, फिल्टर लगाना कर सकते हैं, बस आप इसको रिफ्रेश नहीं कर सकते। राइट सर? राइट सर। रिफ्रेश करने पे फिर वो फाइल उसको मिलेगा नहीं, तो दिक्कत होगा। अब क्वेश्चन आता है कि हम रिफ्रेश करेंगे क्यों? देखिए रिफ्रेश करना होता है डेटा को अपडेट करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे 22 को लेके 220 कर दिया। अभी दो सौ बीस जो है हमारे पिवट के ऊपर इफेक्ट नहीं हुआ। जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, यहाँ तब जाके वो इफेक्ट करेगा, ठीक है? ठीक है। तो नई फाइल पे तो मैं रिफ्रेश कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ी देर पहले बोला कि रिफ्रेश नहीं होगा, तो क्योंकि जब मैंने इसको मूव किया तो इसने फाइल के साथ लिंक बना लिया और फाइल मेरे सिस्टम में अवेलेबल है, बट आपके सिस्टम में अवेलेबल नहीं होगा, तो आपके यहाँ नहीं वर्क करेगा। नहीं, बिल्कुल सर। ठीक है, तो पिवट जो है अपना डेटा अपने साथ कैरी करके रखता है। कभी कभी क्या होता था कि हमें ऑफिस से कोई पर्टिकुलर डेटा निकालना होता था सर, समझे? ओके सर। तो इसका यूज हम लोग करते थे पिवट का। कैसे करते थे? अब जैसे CTVT सारा हटा दिया मैंने, ये पूरा हटा दिया, सिर्फ टोटल एक टोटल है यहाँ पे सिर्फ, है ना? यहाँ से मैं पिवट टेबल डिजाइन में गया, मैं फिल लिस्ट हटा दिया, फिल हेडर हटा दिया, अब सिर्फ इतना ही दिख रहा है। इसको भी मैंने इसको भी सिलेक्ट किया, और इसको जो है हम यहाँ से इसको कलर हाइड करेंगे तो पता चल जाएगा कि हाइड है ना। तो इसको हम इसका कलर चेंज कर देते हैं और इसकी ठीक है सर। ठीक है सर। तो अब होता है, या तो बंदा पक्का समझ नहीं पाता था कि क्या है भाई ये 32,000 एक अमाउंट क्या आ गया है। होता है क्या था क्या कि कभी कभी क्या होता था, एडमिन टीम जो है पकड़ लेती थी डेटा कि भाई ऑफिस से आपने बाहर आउटसाइड डेटा भेजा है, लेकिन हमें भेजना होता था। या अभी कभी कभी ऐसा भी होता था कि बड़ी डेटा, ये तो छोटी डेटा है, तो बड़े बड़े डेटाबेस होते थे उसकी मेल अटैचमेंट, क्योंकि पहले तो मेल पे 2 MB की फाइल भेज सकते थे ना,
बिल्कुल सही। तो वाइल बहुत बड़ी हो जाती थी डेटा फाइल भेजने का, तो डेटा भेजना मुश्किल होता था, तो हम लोग पिवट पे करके भेजते थे। अब अच्छा लाइक अच्छा ओके तो अब सामने वाला बंदा कैसे डेटा लेगा, तो इसमें इसको मैं अनेबल शो डिटेल्स अनचेक कर देता हूँ, मैंने हटा दिया था ना, बस इस पे डबल क्लिक करेगा, एक नई डेटा आ शीट जाएगा। डेटा आ गया, नई शीट पूरा वाला डेटा। ओके तो ये हमारा पिवट का पार्ट वन था, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कल हम बात करेंगे पिवट टेबल में शॉर्टिंग, फिल्टर, मूविंग, ग्रुपिंग एंड कैलकुलेशन के बारे में, ओके सर, ठीक है? प्रैक्टिस ठीक कीजिए, है सर, कोई प्रॉब्लम होगी मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है सर, ओके, थैंक यू।